हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एसएससी की जो वैकेंसीज हैं 2022 एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी ने डीओपीटी में जो वैकेंसी की लिस्ट भेजी है वो मिली है, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको कितनी वैकेंसीज दिखेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने एक नोटिस देखा था जिसमें ये बताया गया था कि सीजीएल के फॉर्म आप 13/10/2022 तक भर सकते हैं, तो जिन्होंने अभी तक भरा नहीं है वो भर दें जल्द से जल्द। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसीज हैं वो सब्सटेंशली इंक्रीज करेंगी। एंड पहले एसएससी ने अपने नोटिस में कहा था कि 20,000 कुछ वैकेंसीज होंगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार काफी ज्यादा वैकेंसीज 20,000 से ज्यादा भरने वाली हैं। और अभी भी सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी पूरी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आने तक भी वैकेंसी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिलहाल कितनी वैकेंसीज एसएससी सीजीएलई 2022 में अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, ये जो नोटिस है ये 30 सितंबर का है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और इससे पहले ही सारी चीजें रिपोर्ट करी होंगी एसएससी ने डीओपीटी को, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर वैकेंसीज कैन चेंज एंड इट इज हाई प्रोबेबिलिटी की वैकेंसीज इंक्रीज ही होंगी, इस बार डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि मिशन मोड में रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। 2019 वालों की ज्वाइनिंग रोकी हुई है इस चक्कर में, मिशन मोड के चक्कर में। ठीक है, मिशन मोड का कोई इवेंट होने वाला है, उसके साथ बाद लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, जिससे कि मिशन मोड में सारे रिक्रूटमेंट दिखा सकें पढ़ने वाली भी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, बट एड आप सभी लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जितनी वैकेंसी जिस बार आ रही है इतनी कभी नहीं आई है और ना ही आने की उम्मीद है जल्दी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं सीजीएलई में जो एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन है, इसमें 20,814 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी है एंड इट विल इंक्रीज थोड़ी बहुत जरूर। एंड सीएचएसएलई अगर मैं बात करता हूं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो 12th पास एस्पिरेंट्स के लिए होता है, इसके लिए 2,960 वैकेंसी है। पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, बट स्टिल ये अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट फ्लोटिंग असिस्टेंट की मैक्सिमम वैकेंसी रहती थी सीएचएसएल में, वो तो सीजीएल में डल गई, फिर भी 3,000 आना बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में मिला के इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, तो सीएचएसएल भी टारगेट किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा इसे क्रैक करना, बट यस सीजीएल जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार उतनी कोई और एग्जाम से नहीं है। MTS 2022 जिसका नोटिफिकेशन बाद में निकाला जाएगा, इसकी हमारे पास वैकेंसीज है 4682। सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थे एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन के थ्रू वो 4300 है, हम पहले भी देख चुके हैं। स्टेनो की वैकेंसीज 2022 एग्जामिनेशन की 2143 अभी तक रिपोर्ट की गई है। ठीक है, इनमें भी फर्दर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। दिल्ली पुलिस एमटीएस एग्जामिनेशन की टोटल वैकेंसी हमारे पास 777 है। ठीक है, सीजीएल 2022 की बात करूं तो ऑफिशियली जिस सीएजी डिपार्टमेंट में हमारे पास 2910 वैकेंसी है, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो 1795 है, जिसमें कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, कुछ हमारे पास टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं वो 255 है। स्टेट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आरटीआई के थ्रू पता चला है। एंड जो टैक्स असिस्टेंट है उसकी हमारे पास 1570 वैकेंसीज है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास लगभग ऐसी कुछ वैकेंसीज निकल के आएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, इतनी ही आ रही है 1795। सीबीआईसी डिपार्टमेंट जिसमें आपका टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर हो गया, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी हो गया, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो नई पोस्ट ऐड होगी जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, वो सारी मिला के 2640 वैकेंसी है। अगेन गुड वैकेंसी, क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सारी 4600 ग्रेड पे की या 4200 ग्रेड पे की वैकेंसीज होंगी। ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट की इतनी ज्यादा वैकेंसी आती भी नहीं है। ठीक है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट में तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ की जो वैकेंसीज होंगी हमारे पास वो 43 है। एएसओ सीएसएस पहले 303 दिखा रहा था मैं भी आपको कुछ दिन पहले, ये बढ़ गई है 2982 दिखा रहा है जो एसएससी में एसएससी के पास आई है। ठीक है, तो अभी दोबारा सीएसएस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा के मैं एग्जैक्टली पता करूंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। एएसओ जितनी भी मिनिस्ट्री की पोस्ट होती है, रेलवे एएसओ ये सारी एमईए, ठीक है, दिल्ली की पोस्टिंग होगी आपकी इनिशियली, एंड जिन लोगों को दिल्ली में रहना उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। एमबी में तो इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिलता है। फिर ईडी की 27, आईबी की 29, एनसीबी ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट फ्लोटिंग असिस्टेंट की जो अभी तक हमारे पास वैकेंसीज थी वो मेरे पास 9838 अभी तक रिपोर्ट की गई थी, बट इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये 9887 है। तो मे बी इन फ्यूचर जब हम आरटी लगाएंगे तो ये वैकेंसीज अपडेट हो चुकी होंगी। टेलीग्राम चैनल पर मैंने स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दिखाई थी, 9838 वैकेंसीज। ठीक है, ये स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं, ये मैंने ही आरटी लगाई के यहाँ पे मंगाई थी। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में क्या है, ठीक है, ये डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो एसएससी ने इनके पास बताया कि कितनी कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, वो सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, एसएससी के पास अपनी वैकेंसी भेजते हैं कि इतनी वैकेंसी हमें फिल करनी है 2022 की साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें आप देखेंगे, और यहाँ पे डीओपीटी ने भी एसएससी को कह रहा है कि टाइम टू टाइम तुम्हें हमें बताना है कि क्या चल रहा है।
ठीक है। तो चीजें मिशन बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं इस टाइम पे। सो आप देखेंगे यहाँ पे सीईपीडी दिल्ली पुलिस के लिए जितनी भी वैकेंसीज है वो शायद इधर दिखाएंगे आपको, सीजीएलई एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड रो में, सीएचएसएल के थ्रू किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी इधर दिखेंगी, फिर आपके पास जीडी के लिए वैकेंसीज कितनी है वो आपको इधर दिखेंगी चौथे नंबर पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी सारी चीजें, टेंशन ना लो इस चीज की, ठीक है। फिर जेई एग्जामिनेशन जो एसएससी करवाता है उसकी वैकेंसी कितनी होंगी, वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, जीएसटी की वैकेंसी कितनी होंगी किस डिपार्टमेंट में वो यहाँ पे होंगी, फिर एस ए आई एम डी, ठीक है, वो वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखेंगी, एस आई सी पी ओ, स्टेनो एग्जामिनेशन और टोटल, ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसी आप डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट में कितनी की कितनी वैकेंसी टोटल निकली है ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा टोटल लेके जाता हूँ, आपको टोटल यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, आई जस्ट क्रिएटेड दिस टेबल इन माई ओन वे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली पुलिस में टोटल जो वैकेंसीज है वो 6433, अब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होंगी जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हो गई, वो सारी मिला के मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 6433, और जो सीपीओ की है वो एस आई सीपीओ वो अलग वैकेंसीज है 4300 हमने पहले भी देखा था, नया है सीएचएसएल की वैकेंसीज हमारे लिए, स्टेनो की वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया था कि पिछली बार जितनी भी चल रही थी उससे दोगुना से ज्यादा वैकेंसीज होंगी, तो ये 2143 अपने आप में एक अच्छा नंबर है स्टेनो के लिए, ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहे अपनी, ठीक है। उसके बाद एस ए आई एम डी की यहाँ पे 550 वैकेंसी दिख रही है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो एस एस सी का उसमें 990 वैकेंसी उन्होंने लिखा है, तो 990 ही होंगी, ये पहले एस एस सी ने रिपोर्ट भेजी होगी डीओपीटी को, शायद ये 5 सितंबर के आसपास कभी भेजी थी, ठीक है, नोटिफिकेशन बाद में निकाला गया आई एम डी का, तो उसमें और बढ़ गई होंगी इसलिए 990 है, और ये वैकेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है, इन फ्यूचर इट मे डिक्रीज एंड इंक्रीज एज वेल, लेकिन इस टाइम चांसेस है कि ये इंक्रीज ही होंगी सभी जितनी भी वैकेंसी है, वरना सेम रहेंगी, कम होने के चांसेस बहुत कम है। MTS 2022 एग्जामिनेशन से 4682 वैकेंसीज हैं, दैट्स अगेन अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि 2021 में क्या हुआ था MTS और हवलदार दोनों की वैकेंसीज मिला के आई थी, तो 7708 या 9 जो भी थी उतनी वैकेंसी बनी थी 7700, लेकिन MTS की वैकेंसीज देखूं MTS 2021 एग्जामिनेशन में तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है MTS 2022 में हमारे पास दो MTS 2021 से, ऑल्दो आपको पता है MTS में कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा सीजीएल एग्जामिनेशन से, क्योंकि सीजीएल में वैकेंसी ज्यादा है, MTS के फॉर्म भरने वाले लोग ज्यादा होते हैं सीजीएल से, सेम वॉज विद सीएचएसएल, सीएचएसएल में कंपटीशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सीजीएल, बट सीएचएसएल में भी अभी 3000 के आसपास वैकेंसीज हैं तो डुएबल है, लेकिन जो लोग 12th पास हैं जो सीजीएल नहीं दे सकते अभी वो सीएचएसएल के थ्रू जॉब ले सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करो। आरबी एप्लीकेशन पे तो आपको सारे कोर्स मिल रहे हैं जिसमें सारे टीचर डेडिकेटेड तरीके से आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एग्जाम रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, और सारे के सारे टीचर्स जो भी हैं मैक्सिमम टीचर्स एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन खुद क्लियर किए हुए हैं, उन्हें पता है एग्जाम में क्या पूछता है और क्या क्या चीजें लेटेस्ट पैटर्न में चल रही है, उस हिसाब से सारे के सारे कोर्स डिजाइन करते हैं अपन लोग, ठीक है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर कि किस डिपार्टमेंट में अभी तक कितनी कितनी वैकेंसी चल रही है, ठीक है, जो आरटीए के थ्रू हमने पहले ही पता कर लिया था ये ऑफिशियल आने से पहले, तो वो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, इसमें थोड़ा बहुत अपडेट होगा जैसे वैकेंसी नई नई चेंज हो रही है, कुछ नई ऐड हो रही है, जैसे सीएसएस में बढ़ गई तो सीएसएस की दोबारा निकालनी पड़ेगी, बाकी डिपार्टमेंट में जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे थोड़ा रफ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है, जो मौका मिल रहा है इस बार 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 कहना पड़ रहा है कि ये दोबारा नहीं मिलेगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिल्कुल एक एक सेकंड कीमती है, अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एक छोटा सा अपडेट एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है इसके अंदर, राइट, ओके।